हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा खास, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जाएंगे टीम साजू की 3 विकेट हॉल के बारे में। मैं उससे पहले आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे टीम साजू ने 3 विकेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पे लिए थे, क्योंकि मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी कम रन बने थे कोलकाता नाइट राइडर्स ने, इसी कारण यहाँ पे 3 विकेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पे लिए थे। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट टाइम के साथ साथ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के लिए थे। तो देखते कि किस किस के लिए थे टीम साधु ने वो 3 विकेट। तो जिसका पहले विकेट लिया था टीम साधु ने, उसका नाम है फेफ्टू प्लेसी। मैं आप सब लोगों को बता दूँ कि फेफ्टू प्लेसी नोएल चैंजर्स बैंगलोर की टीम के कप्तान है। मैं आप सब लोगों को बता दूँ कि उन्होंने 5 रन बनाए थे 4 गेंदों में। जिस तरह उन्होंने, मैं आप सब लोगों को बता दूँ कि टीम साधु ने आउट किया था फेफ्टू प्लेसी को। वही बात कीजिए कि फेफ्टू प्लेसी का कैच किसने पकड़ा था, तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि फेफ्टू प्लेसी का कैच पकड़ा था अजिंक्य रहाणे ने। तो दोस्तों, ये तो बात कर ले हमने पहली विकेट के बारे में। वही बात कीजिए दूसरी विकेट की, तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि दूसरी विकेट ली थी टीम साधु ने शेन रदरफोर्ड की। मैं आपको बता दूँ कि शेन रदरफोर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से सेट हो चुके थे। मैं आपको बता दूँ कि शेन रदरफोर्ड 28 रन भी खेले थे और ये बनाए थे कुल मिला के उन्होंने 40 गेंदों में, जिस तरह इनकी इस पर में 1 चौका और 1 छक्का शामिल था। और मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि टीम साधु को आउट किया था शेल्डन जैक्सन ने। तो दोस्तों, ये तो बात कर ले हमने दूसरे विकेट के भी बारे में। और शेन रदरफोर्ड कितनी अच्छी तरीके से सेट हो गए थे वो तो आपसे मैंने साफ साफ देख लिया होगा। मेरी बताइए तीसरी और अंतिम विकेट की, तो मैं आपको बता दूँ कि तीसरी और अंतिम विकेट ली थी वहीं हजारंगा की। ऐसे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एक बात तो बता देना चाहता हूँ। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि जब टीम साउथी बैटिंग के लिए आई थी तब उनका आउट किया था विद्या हसरंगा ने। और यहाँ पे दोस्तों, जब विद्या हसरंगा बैटिंग के लिए आए तब उनको आउट किया था टीम साउथी ने, तब ये बदला पूरा हो गया दोनों का। और मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि जब पे विद्या हसरंगा का कैच पकड़ा था एंडरसन ने। वैसे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एक बात तो बताना चाहूँगा कि एंडरसन ऐसे गेंदबाज की वजह से दोस्तों हारी है केकेआर, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अंडे रिसल वैसे थोड़ी सी दिक्कत में जैसा आ रहे थे, जैसे इसी कारण कि क्या हारी हो। क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यह भी अंडे रिसल वैसे अच्छे गेंदबाज है, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन दिए इस बार, वैसे का ना हारी है कि क्या। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ पे अंडे से थोड़ी सी दिक्कत में हो गए। तो दोस्तों, ये तो बात कर लेंगे 3 विकेट के बारे में। और 3 विकेट की दी इंपॉर्टेंट थे आप सब लोग चांदी हो, फेफ्टू प्लेसी की अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं वो आप सब लोग चांदी हो गए। उनकी विकेट ली थी टीम साउथी ने, तो उस विकेट शेन रदरफोर्ड की 40 गेंद खेली थी। और दोस्तों, 40 गेंद खेलने वाला इंसान हमेशा सेट ही होता है। और मैं आपको बता दूं कि अभी पॉइंट हसरंगा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाज से वो दोस्तों जल्दी गेम को ख़त्म कर सकते थे, उनकी विकेट ली थी टीम साउथी ने। तो दोस्तों, ये तो बात कर लेंगे 3 विकेट के बाद में। वही बात की जाए कि कैसी रही थी टीम साउथी की बॉलिंग, तो जैसे कि आपसे लोग अभी स्क्रीन में सबसे देख पा रहे हो कि टीम साउथी की बॉलिंग कुछ इस प्रकार से थी। मैं आपको बता दूं कि पूरी के पूरे 4 ओवर्स करे थे टीम साउथी ने, जिस तरह उन्होंने एक भी मिड ओवर नहीं करा, पूरे के पूरे 20 रन दिए थे और 20 रन देकर कुम लगे 3 विकेट भी निकाल ली। वही बात कीजिए इकोनॉमी की, तो मैं आपको बता दूँ कि इकोनॉमी थी 5 की। दोस्तों, टीम साउथी ने भी लगभग वैसी बॉलिंग की थी जैसे कि दोस्तों की थी वहीं हसरंगा ने। दोस्तों, फर्क इतना था कि वो वहीं हसरंगा ने कुल मिला के 4 विकेट ली थी और बाकी टीम साउथी ने 3 विकेट ली थी, बाकी सब कुछ सेम था। टीम साथियों में दोस्तों का दोनों ने कुल मिला के 4 ओवर्स करे थे, जिस दौरान दोस्तों दोनों ने एक भी मेड इन ओवर नहीं करा था, दोनों ने कुल मिला के 20 रन दिए थे। और दोस्तों, जब 20 रन थे कि देखना तो सेम होनी होनी है, लेकिन बस यहाँ पे विकेट का फर्क था। यहाँ पर टीम साथियों ने 3 ली, वहाँ पे मैं दोस्तों का ने 4 ली। फिर तब बात के लिए हमने पूरी की पूरी टीम साथियों की बॉलिंग के बारे में। मैं बात कीजिए कि क्या यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स मैच को जीत पाई या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे सारी गलती थी बल्लेबाजों की, यहाँ पे गेंदबाज सबसे अच्छी दिखी थी, यहाँ पे फील्डिंग भी अच्छी दिखी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे गलती थी वो थी बल्लेबाजों की। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि उन्होंने 7 टारगेट देने के चक्कर में घूम आके 129 पे आउट हो गए। और तो दोस्तों, गेंदबाज उन्होंने आखिरी तक बचाने की कोशिश की मैच को, और आखिरी तक पहुँचा भी। कुल मिला के दोस्तों 19 ओवर हो चुके थे। मैं आपको बता दूँ कि मैच कुल मिला के खत्म हुआ था 19.2 ओवर्स में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सुपर ओवर भी हो सकता था, क्योंकि दोस्तों 6 गेंदों में 7 रन चाहिए थे। और यहाँ पे दिनेश कांत देख ने पहली बॉल पे छक्का मार दिया था, जिस कारण दोस्तों यहाँ पे जीत गई थी RCB। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, ये मैच तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, और दोस्तों ऐसे मैचेस देखने में मज़ा आता है T20 में। तो ये तो बात कर लेने पूरी की पूरी टीम साथियों की बॉलिंग के बारे में, हो गया मैच जीत पाई या नहीं उसके भी बारे में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आंडी से भी इल्ज़ाम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 2.2 ओवर्स में कुल मिला के 36 रन दिए थे,
वह विपन्नता की एक रमी से। आप समझ रहे होंगे कि क्यों हारी थी कितना डेडर्स। तो ये तो बात के लिए हमने पूरी की पूरी टीम साथी के बारे में। तो चलिए तो सुनते ही थे कि कैसे की रहती टीम साथी ने वो 3 विकेट। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा। चलिए देखते कि कैसे की रहती टीम साथी ने वो 3 विकेट।